नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग रचना अनुवाद कोवदी का अभ्यास 5 कर रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य। जितना हम लोग का अभ्यास जरूरी होता है उतना अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य में परिवर्तित करना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें नियमों की कितनी जानकारी है। तो देखिए, अशुद्ध वाक्य को पहले हम शुद्ध वाक्य को ऐसे कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कितने हम इसको हम जानते हैं। तो देखिए क्या है कि कह रहे हैं कि अशुद्ध लिखा हुआ है, उससे तो पता ही चल जा रहा है कि ये अशुद्ध वाक्य है। तो कह रहे विद्यालय गच्छति, विद्यालय गच्छति। दोस्तों ये देखिए गच्छ धातु है, गच्छ मतलब मूव करना। तो जब भी होगा तो मूव कहाँ हो, जहाँ पे होगा मूवमेंट, जहाँ पे होगी गति, जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होता है, जिसके साथ जो शब्द जिसके साथ में आता है मूव करने वाले शब्द के साथ, जैसे गच्छ के साथ जो शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी ना, हाँ, और कर्मकारक होगा। द्वितीय विभक्ति होगी और कर्मकारक, कर्मकारक जहाँ होता है कर्मणि द्वितीय से वहाँ द्वितीय होती है। तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, ठीक है। देखिए विद्यालय गच्छति। अब देखिए विद्यालय प्रति, अब आपको ये भी पता होगा कि जो है विद्यालय प्रति आप ये जो अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु, इनके साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कर्म होता है उसके साथ में, जिसके साथ में ये अव्यय लगे रहेंगे उसके साथ में कर्म होता है, ठीक है। जो भी शब्द आएगा उसमें कर्म होगा और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो विद्यालय प्रति है, तो प्रति आने के कारण विद्यालय में क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति लगी, विद्यालयम प्रति, ठीक, विद्यालयम प्रति, ये रहा विद्यालयम प्रति। आगे देखिए क्या है, ग्रामस्य निक्षा, निक्षा या समया, दोनों का मतलब होता है पास में। तो वही नियम लागू होगा कि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो साथ में क्या आया है, गांव आया है, ग्राम आया है, तो इस कारण से गांव में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्मकारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ग्रामम निक्षा, ग्रामम निक्षा, ठीक है। अभी देखिए धर्मस्य अनुगच्छति, अनु का मतलब होता है पीछे, और वही बात हो गई, आपको एक एक शब्द से परिचय करा रहा है ये अशुद्ध वाक्य कि अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु, अनु इसके साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो धर्मस्य में षष्ठी न होकर के क्या हो जाएगी, धर्मस्य में दोस्तों जहाँ पे अस आ जाए, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ जाइए कि वहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि जैसे राम का रूप होता है ना रामस्य, तो रामस्य में षष्ठी एक या रूप याद कर लेंगे तो लगभग सभी आकारांत रूप, आकारांत पुल्लिंग रूप आप बना पाएंगे। तो क्या है, धर्मस्य, धर्मस्य में षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, तो ये गलत है क्योंकि अनु लगा है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा जिसमें लगेगा धर्मम, धर्मम अनुगच्छति, धर्मम अनुगच्छति। आगे देखिए पुष्पस्य परितः, वही चीज़ यहाँ भी है कि परितः आ गया है, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो अस्य आने के कारण ये अशुद्ध हो गया है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग नहीं होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। पुष्प एक ठो है इस वजह से द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। फूल के चारों ओर करेंगे तो पुष्पम परितः, पुष्पम परितः, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य में परिवर्तन। तो अब ये आगे का वाला जो अभ्यास है, वाक्य बनाओ, दो के वाक्यों का बहुवचन बनाना है। ये जो दो का वाक्य है ना, ये दो दो नंबर, ये एक वचन में था, इसको कह रहे हैं बहुवचन बनाने के लिए। तो ये 20 वाक्य हैं, इनको यदि मैं यहाँ समझाने बैठूँगी तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और फिर जगह भी नहीं बचेगी, तो मैं इसे लिख करके आपको समझाऊँगी। तो वाक्य बनाओ में और आगे जितने भी आ रहे हैं सब जो है लिखने वाले हैं, तो मैं आपको लिख करके इसको समझाने का प्रयास करूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में आपसे अभ्यास 5 के अगले प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।